स्मार्ट वॉलेट के इंटरफेस और फंक्शन का ओवरव्यू। आज हम आपके लिए स्मार्ट नेटवर्क पर मौजूद पहला और एकमात्र वॉलेट स्मार्ट वॉलेट पेश करते हैं। ये एक आधुनिक, सुविधाजनक और सुरक्षित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट है, जिसकी मदद से आप अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी को एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं और उन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्मार्ट वॉलेट का मुख्य फायदा है एक ही ऐप पर असीमित संख्या में वॉलेट बनाने की क्षमता। अब आपको दर्जनों वॉलेट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वॉलेट में सभी लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी उपलब्ध हैं। इस वीडियो में हम आपको स्मार्ट वॉलेट के इंटरफेस और फंक्शन से परिचित कराएंगे। एप्लीकेशन का मेन मेन्यू स्क्रीन के नीचे स्थित है। मेन्यू में तीन आइटम्स हैं। हम उन्हें बाएं से दाएं लिस्टेड करते हैं, वॉलेट, QR कोड, सेटिंग्स। आइए हर मेन्यू आइटम को बारी बारी से देखें। मुख्य स्क्रीन पर आपके वॉलेट का एक विजेट है, जिसमें आपके वॉलेट का बैलेंस डॉलर में दिख रहा है। विजेट के नीचे इस वॉलेट में उपलब्ध क्रिप्टो करेंसी के कार्ड्स दिख रहे हैं, जो बैलेंस भी दिखा रहे हैं। अपने वॉलेट में एक नई क्रिप्टो करेंसी जोड़ने के लिए मुख्य विजेट पर एड एसेट पर क्लिक करें। फिर एक विंडो खुलेगी, जिसमें वर्तमान में उपलब्ध क्रिप्टो करेंसी नजर आएगी। क्रिप्टो करेंसी मंगाने, करने और भेजने के लिए वॉलेट कार्ड पर क्लिक करें। अगर आप अपने वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी मांगना चाहते हैं, तो रिसीव बटन पर क्लिक करें। इससे एक QR कोड खुलेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस व्यक्ति को भेज सकते हैं जिससे आप ट्रांजैक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही एक एड्रेस भी है भेजने के लिए, जिसे आप कॉपी आइकन पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी भेजने के लिए सेंड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद जो विंडो खुलेगी, उसमें आपको भेजी जाने वाली राशि साथ ही एड्रेस दर्ज करना होगा। आप QR कोड को स्कैन करके भी क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं। वॉलेट को एक यूनिक नाम भी दिया जा सकता है और किसी भी समय उसका नाम बदला जा सकता है। आप अपने वॉलेट का डिस्प्ले ऑर्डर भी बदल सकते हैं। हम आपको सेटिंग सेक्शन में वॉलेट जोड़ने के बारे में और बताएंगे। मेन्यू पर दूसरा आइटम एक QR कोड है। उसका इस्तेमाल करके आप केवल कैमरे को QR कोड पर इंडिकेट करके आसानी से और जल्दी से ट्रांजैक्शन भेज सकते हैं। स्मार्ट वॉलेट ऐप का अंतिम सेक्शन है सेटिंग्स। सेटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है माय वॉलेट्स। ये वो जगह है जहां आप नए वॉलेट जोड़ सकते हैं। नया वॉलेट जोड़ने के लिए प्लस एड वॉलेट बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी, जहां आप रिस्टोर वॉलेट पर क्लिक करके मौजूदा वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं और क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करके एक नया यूनिक वॉलेट बना सकते हैं। पिन कोड सेक्शन में आप पिन कोड सेट या डिसेबल कर सकते हैं और चेंज पिन सेक्शन में इसे बदल सकते हैं। फेस आईडी, टच आईडी सेक्शन में आप अतिरिक्त सुरक्षा के लिए फेस स्कैन या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके कंफर्मेशन को सक्रिय कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन सेक्शन में आप ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन सेट कर सकते हैं। डार्क मोड सेक्शन में आप ऐप की लाइट और डार्क थीम के बीच स्विच कर सकते हैं। अभी स्मार्ट वॉलेट को इस्तेमाल करना शुरू करें। एंड्रॉइड 8 प्लस के लिए APK वर्जन पहले से ही AndroidSmartWallet.com पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।